और भी अनेक लीलाएं हैं भगवान की, जिन्हें भगवान के मनोरथ पूरे हुए, जो सखाओं के साथ खेलते थे। कभी कभी ऐसा दाव रखा जाता था कि जो जीतेगा वो सवार बनेगा और जो हारेगा वो सवारी बनेगा, वाहन बनेगा, और कुछ डेस्टिनेशन तक उसको ढो करके ले जाए। एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण हार गए, श्री रामा जीत गए, श्री राम राधा रानी के भाई जीत गए, श्री कृष्ण हार गए। पहले श्री कृष्ण जीते थे कई बार, लेकिन सवारी करते थे और हारने वाला घोड़ा बनता था, उसको ढो करके कुछ दिन तक ले जाना पड़ता था। जब श्री कृष्ण हार गए, हरि हारे जीते श्री रामा, श्री राम आग्रह करने लगे कि तुम सवारी बनो, घोड़ा बनो। तो श्री कृष्ण कहे, मैं राजा का बेटा नंद बाबा का, मैं नहीं घोड़ा बनूंगा, क्योंकि मेरे बाप की 9 लाख लोग हैं। श्री राम कहते हैं, खेलने को का को गुस्सा है, खेलने में कौन किसका स्वामी है, नहीं खेलने में सब समान है। तुम्हारी 9 लाख गौया है तो क्या यहाँ है, जहाँ है वहाँ है, तुम राजा के लड़के होते इससे क्या, तो खेलने क्यों आए, तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। कृष्ण कहते नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। तो सब लोग मीटिंग किए, सब गोप और कहे कि नहीं घोड़ा बन रहा है, तो सबने एक समान कहा, तो इसको खेल से आउट कर, नहीं घोड़ा बनेगा तो क्या उपाय है, तो हम लोगों से नहीं खेल सकते, चलो निकलो। वहां पकड़ के उनको दल से अलग कर दिया, गोप बालक दोनों ओर से खेल रहे थे, ये जीता ये हरा कर रहे। तो श्री कृष्ण खेल से बाहर एक मेल पर बैठ करके सूखने की देती, मैं तो गोप सखाओं के झुंड से अलग कर दिया गया। तो भगवान भी तभी सुखी रहते हैं जब अपने भक्तों के साथ। ऐसे रो रहे थे, देख रहे थे कातर स्वर से कि हमको इस दल में ले लिया जाए, देख रहे थे। तब श्री बलराम जी पूछे, मेरा आगे छोटा भाई है बेचारा, पूजा छाट दिए गए, बाहर कर दिए गए। वो पूछती, घोड़ा बनोगे ना, घोड़ा बनना है ना। हाँ तो चलो चलो, तब इस दल में तब श्री कृष्ण आए, फिर खेल जाते। अगर घोड़ा नहीं बन रहा है तो चलो आओ। भगवान भी तरस गए गोप समाज में खेलने के लिए, उनके बिना बिल्कुल खेल न थे। भगवान अपने मुख से कहेंगे चैतन्य चैतन्य में, सखा सुध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्हें कौन बड़ लोग तुम्हें अनुसार। हमारे सखा सुध सख्य भाव से, शुद्ध मित्रता से हमारे स्कंध पर कंधे पर चढ़ते हैं, कहते हैं तुम कौन बड़ा आदमी हो, हम और तुम सम है, तुम्हें कौन बड़ लोग, तुम्हें अनुसार, तुम और हम सब एक समान है, बढ़ करके नहीं। सूर्यदास जी ने लिखा है कि अगर तुम बढ़ कर समझते हो, गाय दिखाते हो, तो गोविंद 9 लाख जहाँ है वहां जाकर उनके साथ खेलो, गाय के साथ जाकर के खेलो। इस तरह भगवान और माँ के प्रति कहते हैं, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति ही उजेने करे लाल न पारे। मेरी माँ प्रेम में मुझको बांधती है, मुझको अति हीन बुद्धि समझ करके मेरा लालन पालन करती। मेरी माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा बेटा माटी खा रहा है, माटी खाने पर पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, शरीर पीला पड़ जाएगा, तो हमको डांटती है क्यों माटी खाया, माटी उगलो। हाथ में डंडा छड़ी लेकर के और दिखाते है माटी उगलते हो कि नहीं। ऐसे कृष्ण के मुख में उंगली डाल करके माटी निकालती।
और कुला करो जो भी मार के नहीं करो बाहर करो नहीं निकालो तो भी मारूंगी मार कर मारती नहीं है लेकिन दिखाती है धमकी देते है तो कुछ ही मार के निकालो एक दिन तो पूरा ब्रह्मांड ही दिखा दिया और शुद्ध मातृभाव में शुद्ध वात्सल्य से माँ को सुधर कहते है कि हमारे बेटे का शरीर ठीक रहे मन ठीक रहे आचरण ठीक रहे और मेरी प्रिया भगवान कहते मेरी प्रिया राधा रानी और अन्य गोपियां प्रिया यदि मान करी कर भर्षण वेद स्तुति है सही हरे मोर मन मेरी प्रिया जो मेरी भर्सना करती है कहते अरे कपटी तुम्हारा क्या विश्वास भर्सना करते है डरती है तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है तुम चंचल बुद्धि के हो जो मान करके रूठ जाती है मैं चरणों में गिर करके मनाता हूँ और मुझे बुरा बुरा शब्द बोलती है तुम कपटी हो दुष्ट नहीं तो वेद की स्तुतियों से भी बढ़कर तो मुझे प्रिय लगता है वेद की स्तुति है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम इसमें भी बढ़कर के प्रिय जी का बात कर होता है कहते नहीं नहीं चिंताओ चंद्रावल के पास कपटी है ये वेद की स्तुति से भी अच्छा लगता है स्तुति में प्रेम उतना कहाँ है गोविंदा वाले कृष्ण पूरा कर लिया है कृष्ण को अपना समझ करते हैं जो भाव उत्पन्न होता है कुछ और ही है प्रिया की भर्सना भी वेद की स्तुतियों से मुझे बढ़कर के लगती है माँ का बंधन भी मुझे बहुत प्रिय लगता है क्योंकि अत्यंत स्नेह से करते हैं और सखाओं का तिरस्कार भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम से करते हैं यह भगवान का स्वभाव है सुखल बंधन लीला में भगवान ने प्रकट किया है कि मैं अपने प्रेमी के अधीन हूँ अपने प्रेमी के भाव का भूखा इसीलिए भगवान इस लीलाएं करते हैं उखल बंधन लीला में खास करके ये बहुत व्यक्त हुआ है भगवान ने दिखाया कि मैं अपने भक्तों के पास में हूँ मैं जसोदा के पास में हूँ और सखाओं के पास में हूँ भगवान ने इस लीला द्वारा दिखाया इन लीलाओं को कहने और सुनने से हमें भी वही प्रेम उत्पन्न होता है कुछ मात्रा में मैं भी माँ जसोदा के समान बनूं उनकी दासी बनूं किसी को मैं भी दूध पिलाऊं सखा की कथा सुनने पर सखा जैसा बनने की इच्छा होती है प्रिया की कथा सुनने पर प्रिया जैसे बनने की इच्छा होती है इसीलिए कथाएं सुनी जाती है तो सुनने से और पढ़ने से ही ये भाव उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो बस यही जीवन का लाभ है तो ये जो आयोजन हो रहा है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भाव उत्पन्न करने के प्रेम उत्पन्न करने के जो व्यक्ति जितना ही एकाग्रता से जितना ही मन को समाहित करके और शांत चित्त से अव्यग्र बुद्धि से इसको सुनते हैं तो उनको उसी अनुपात में लाभ होता है और कृष्ण प्रेम एकाएक उत्पन्न नहीं होता है धीरे धीरे समय समय उत्पन्न होता है रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं जैसे गन्ना बोया जाता है हम तो गन्ना के देश में रहते हैं गन्ना बो करके उसे पूरा तैयार करने में कितना समय लगता है कोई और सोचे कि एक दिन में गन्ना सब उत्पन्न कर लें गुड़ बना लें चीनी बना लें घी बना लें गन्ना उत्पन्न किया जाता है इसके बाद उसको पेरा जाता है पेर करके आउट करके उसका गुड़ बनाया जाता है गुड़ से फिर चीनी चीनी से मिश्री मिश्री से सीता मिश्री उससे फाइन मिश्री बनती है इस तरह से कृष्ण प्रेम पहले श्रवण कीर्तन क्रिया करके फिर प्रेम उत्पन्न होता है श्रवण कीर्तन फिर रिफाइन होता है रिफाइन होता है और अंततः प्रेम प्राप्त होता है तो उस समय श्रवण और कीर्तन जो होता है और ही ढंग का होता है उस स्तर पर मनुष्य जीवन को पहुंचना है हम भगवान का श्रवण कीर्तन करें उस दशा में होकर के करें
भाई कीर्तन तो सभी करते हैं, जप सभी करते हैं, लेकिन जो जप और जो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते थे मुझे कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो उनके आंख से आंसू की पिचकारी निकलती थी। पिचकारी देखे हैं फागुन के महीने में रंग डालते हैं, ऐसे आस पास के लोग भींग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के आंसू से। शरीर में ऐसे ऐसे रोमांच होते तो लगता था कि सेमल का वृक्ष जिसमें कांटे रहते हैं ऐसा लग रहा है, घाव और फूल रहता था, रोए खड़े हो जाते। चैतन्य चैतन्य वर्णन किया गया है कि एक हाथ तीन तीन हाथ का हो जाता था, यहाँ संधि हड्डियां जो है संधि खुल जाती थी, केवल जाम भर रहता था, यहाँ भी खुल जाता था, हाथ यहाँ भी खुल जाता था। सब देखी हुई दशा थी, हमेशा बार कृष्ण का एक बार नाम लेते हैं तो दूसरा लेता था तो हंकार करते विकार उत्पन्न हो जाता। तो हम लोगों को इसी इंद्र तक जाना है जहाँ भगवान से इस तरह प्रेम हो जाए, उनकी सेवा करे जैसे मैं जो सेवा कर रही। केवल इतना ही संतोष नहीं करना था, हाँ ठीक है भजन हो जाता है, कुछ चल रहा है।